डाकू हसीना को पंजाब पुलिस ने 10 जून को धर दबोचा। उस पर 8 करोड़ 49 लाख रुपए की डकैती का आरोप है। डाकू हसीना के नाम से मशहूर मनदीप कौर 10 रुपए की फ्रूटी के लालच में पुलिस के चंगुल में फंस गईं। मनदीप कौर अपने पति जसविंदर के साथ उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब मत्था टेकने पहुंची हुई थी। पुलिस को खबर लगी कि यहां डाकू हसीना मनदीप कौर पहुंचने वाली है। उनका नेपाल भागने का प्लान है और वो उससे पहले हरिद्वार, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। ये लिंक मिलते ही पुलिस ने अपना जाल बिछाना शुरू किया, लेकिन हेमकुंड साहिब में भारी भीड़ के बीच उन दोनों को पहचानना पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। तो पुलिस ने तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त में 10 रुपए की फ्री की फ्रूटी पिलाने की योजना बनाई। इस दौरान आरोपी दंपत्ति मनदीप कौर और उसका पति जसविंदर सिंह मुफ्त की फ्रूटी पीने पहुंचे। पकड़े ना जाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन फ्रूटी पीने के लिए उन्हें अपने चेहरे से कपड़ा हटाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, पुलिस ने उन्हें पहचान लिया। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि पहचान हो जाने के बावजूद भी मनदीप कौर और जसविंदर को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने उन्हें हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने दिया। इसके बाद पुलिस ने दंपत्ति का कुछ दूर तक पीछा किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पकड़ने के ऑपरेशन का नाम लेट्स कैच द क्वीन बी था। पंजाब के डीजीपी ने लुधियाना पुलिस की कामयाबी पर उन्हें बधाई दी और बताया कि 100 घंटों के अंदर ही मनदीप कौर को उसके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं लुधियाना के पुलिस आयुक्त मनदीप सिंह सिद्धू के मुताबिक मनदीप कौर के 2 पहिया वाहन से 12 लाख रुपए और उनके पति जसविंदर सिंह के बरनाला के घर से 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। डाकू हसीना ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसके साथियों ने कार में कैश छुपाकर रखा था। उसी कार का दूसरे चोरों ने शीशा तोड़कर 70 लाख रुपए निकाले और वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इन चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि डाकू हसीना खुद ही चोरी का शिकार हो गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में 10 वो हैं जिन्होंने लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा 3 वो चोर हैं जिन्होंने कार में से शीशा तोड़ 70 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए थे। बाकी वो लोग हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक की चीजें मुहैया कराई। मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना 8 करोड़ 49 लाख की लुधियाना डकैती की आरोपी है। उसने कथित तौर पर 10 जून 2023 को न्यू राजगुरु नगर इलाके में डकैती को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, सीएमएस सिक्योरिटीज कंपनी के 5 कर्मचारियों को बंदी बना लिया। अब तक की जांच में सामने आया है कि वो अमीर बनना चाहती थी। उसने लोन लिया था और वो पहले से एक बीमा एजेंट और एक वकील के सहायक के तौर पर काम कर चुकी है और उसने इसी साल फरवरी में जसविंदर सिंह से शादी रचाई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।